वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो थार के नए अपग्रेड के लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, लेकिन मेरी कुछ वीडियोस थी जो कि मैंने ऑलरेडी प्लान कर रखी थी, तो वो वीडियो जो है आती जा रही थी और आप लोग जो है उसको बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत और आप पूरा उसको जो है देख के मेरे को बता भी देते। सो आज का जो ये अपग्रेड मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये सबसे मोस्ट नीडेड अपग्रेड था। और ये अपग्रेड जो है मतलब आप लगा लो कि ये मैंने टुकड़ों में अपग्रेड कराया, क्योंकि जब मैंने थार ली थी सबसे पहले मैंने जो चीज़ सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर मैंने प्रायोरिटी दी वो ये थी कि मेरी गाड़ी का जो सिटिंग कंफर्ट होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आई एम प्लानिंग समथिंग वेरी वेरी नाइस ट्रिप जो कि मैं इस गाड़ी से करने वाला हूँ। तो पहले हमने R&D के लिए जो आगे की सीट्स है वो अपनी तैयार करी थी, और सूर्य देवता भी आ चुके हैं, सूर्य देवो नमा। और उसके बाद जो है हमने आगे वाली सीट का पहले पूरा काम किया, पूरा फर्मा तैयार कराया, उसके बाद उसमें अपग्रेडेशन की, जिसकी वजह से मैं बीच का प्रोसेस जो है बिल्कुल शूट नहीं कर पाया। अब फाइनली मैं अपने घर पे जब पूरा तैयार कर चुका हूँ सब चीज़ें, तब मैं आप लोगों को जो हूँ आज अपने सीट कवर्स का जो लुक है वो मैं दिखाने वाला हूँ। आगे की जो मेरी सीट्स हैं उनको मैंने अपग्रेड किया है, रियर की जो सीट्स हैं उनको मैंने बिल्कुल सेम टू सेम रखा है, ठीक है। ऊपर से हमारा फिर से जो है एक और प्लेन गुजरता हुआ जो है वो जा रहा है, ठीक है। तो आगे की सीट जो है वो मैंने अपग्रेड इसलिए करी है क्योंकि आकृति और मैंने जो है बहुत सारे अब लॉन्ग ट्रिप्स करने हैं, एंड अगेन कुछ डिफरेंट आने वाला है, मोस्ट प्रॉब्ली इसी महीने में आएगा या अगले महीने में आएगा। यू कैन मतलब बेट ऑन इट कि भाई बहुत ज़बरदस्त होगा और आप लोगों को जेन्युइनली बहुत मज़ा आएगा। पीछे की सीट्स हमने बिल्कुल स्टॉक रखी है, जो हम लोगों ने पूरा लुक बनाया वो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगेन कपड़े की चॉइस आप लोगों की है, अगर आप लोग प्योर लेदर के लिए जाना चाहें तो आप लोग प्योर लेदर भी लगवा सकते हो, लेकिन मैंने जो है जिसको आप लोग PU बोलते हैं मैंने वो PU जो है इसके अंदर इंस्टॉल कराया। PU में आप लोगों के पास ऑफर क्या क्या है वो आपको बताता हूँ। नापा आप लगवा सकते हो, अगर आप चाहो मंगोलियन लगा सकते हो, अगर आप लोग चाहो सोफा लेमिनेशन लगवा सकते हो। साथ ही साथ में आप लोगों को बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि आप लोग जो है अपनी गाड़ी के अंदर जो है इंस्टॉल करा सकते हो। मेरे वाले अगर लुक के बारे में बात करोगे, सो दिस इज़ अमेजिंग लुकिंग, पूरा जो मैंने वो चीज़ है वो करवाया। बहुत सारे लोग बोल रहे थे ये कराओ वो कराओ, इवन मैंने आमरेस के ऊपर की तरफ भी कुछ कराया, तो आप लोगों को दिखाऊंगा अभी वीडियो में। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, तो करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। सो परफेक्टली बिल्कुल धूप आ चुकी है, सो प्रेजेंटिंग यू ऑल, मुसाफिर भैया ने कैसे अपने सीट कवर्स और अपनी सीट तैयार करी है वो मैं आप लोगों को प्रेजेंट करने वाला हूँ। सो मैट्स जो है वो भी चेंज होंगे, ये भी आप लोगों के जो है सेम ब्लैक एंड रेड के पूरे मिक्सचर में जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सो दिस इज हाउ द सीट लुक्स लाइक। अब आप लोगों को नॉर्मल सीट में बताता हूँ कि नॉर्मल सीट में क्या दिक्कत है। एज सच बहुत मेजर दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग ट्रिप करते थे तो जो आप लोगों का थाई सपोर्ट है वो काफी ज्यादा सफर करता था। अब आपको पता है डेड पेडल लगा हुआ है ऑल दो, लेकिन स्टिल आप लोगों का जो थाई का सपोर्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोगों ने सीट्स को मॉडिफाई कराया। यहाँ पर भी जो है अच्छी फोमिंग हम लोगों ने करवाई है, इसके नीचे की तरफ भी अच्छी फोमिंग है, और ये जो हम लोगों ने थाई सपोर्ट है इसको आगे एक्सटेंड किया है। अगर बैक के बारे में बात करते हो, आप लोगों को पता होगा इस तरफ जो है आप लोगों का ये बैक सपोर्ट वाली चीज आप लोग देख पा रहे होंगे, वो पीछे जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आप लोगों को इसमें मिल जाता है, तो ये भी एडजस्टमेंट जो है ये इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो पाएगा। अब अगर आप लोग बात करते हो कलर कॉम्बिनेशन के बारे में, तो कलर कॉम्बिनेशन में देखो भाई, इस गाड़ी के अंदर ग्रे कलर भी है और इस गाड़ी के अंदर ब्लैक कलर भी है। तो हम लोगों ने जो आर्मरेस्ट है ऊपर से ब्लैक एंड रेड दिया और नीचे से इसको हमने ऐसे छोड़ दिया। अगर आप लोग कहोगे या फिर मुझे लगता है, क्योंकि मेरे को ऐसा सच लगा नहीं कि मेरे को नीड है कि इसको चेंज करने की, अगर आप लोग बोलोगे तो इसको भी हम लोग ब्लैक करवा लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो है इट्स लुकिंग वेरी नाइस और जो लुक है बड़ा जबरदस्त निकल के जो है इसमें आ रहा है। अब इस थाई सपोर्ट का फायदा कहाँ पर होता है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। जब मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ ना, तो नॉर्मली क्या होता था, पहले ये केवल इतने पार्ट तक होता था, ठीक है। तो जिसकी वजह से मेरी टांग थोड़ी सी हवा में रहती थी जब मैं इसको हाई स्पीड चलाता था, जिसकी वजह से मेरे को सीट भी आगे करके चलानी पड़ती थी। अब वो लिमिटेशन भी मेरी खत्म हो चुकी है आर्मरेस्ट, जैसा आपको पता है, ठीक है। ये पूरा अपना आर्मरेस्ट है, और ये आर्मरेस्ट ऐसा वैसा नहीं है, ये आप लोगों का जैसे हैटिच के लॉक लगते हैं ना घर के अंदर, तो वो वाला लुक के साथ आप लोगों को मिलता है। स्टेयरिंग कवर मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हम लोगों ने किस तरीके से जो है स्टेयरिंग कवर को पूरा स्टिच करवाया था, और कई सारे लोगों ने मेरे को उसके बाद वीडियो भेजी कि भैया हमने फुल भी लगा रखा है, वो कह रहे थे हमने बिना खोले भी लगा दिया, ऐसे भी लगा दिया। तो भाई उसमें ना थोड़ा सा एल्फी डाला जाता है, जिसके मॉड के बारे में आप लोगों को बहुत कम लोग बताएंगे, तो इसीलिए मैंने जो है उन सीट्स के लिए नहीं गया था। बाकी अगर आप लोग सीट के पूरे कंफर्ट के बारे में देखना चाहे तो दिस इज हाउ द सीट कंफर्ट लुक्स लाइक, इट लुक्स रियली रियली वेरी प्रॉमिसिंग। और नीचे एक छाता रखा है क्योंकि बारिश होने वाली है, नीचे के मैट्स के ऊपर काम करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। अभी मैं इसकी चेक कर रहा हूं, थोड़ा सा जब इसकी चेकिंग अच्छी तरीके से हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम लोग वो भी अपग्रेड कर देंगे। रियर के बारे में अगर आप लोग बात करते हो तो रियर आर्मरेस्ट जैसा मैंने आपको बताया ब्लैक हमने कर दिया है, ये हम चीजें छोड़ दी है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि
किसके लिए क्या मॉडल है, मेरे लिए ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि मुझे एज सच रियर में बैठना नहीं है। रियर में बैठने वाले के लिए ऊपर ये चीज दी गई है, हमने बस आर्मरेस्ट लगाया। बाय चांस खुदा ना खास्ता कभी कुछ किसी को बैठना पड़े तो उसको कंफर्ट होना चाहिए। सीट्स के बारे में अगर आप लोग बात करोगे, आप लोग इसमें केवल रेड स्टिचिंग जो है वो साइड वाले लुक में ही देखने को मिलेगी, ठीक है, और बाकी आप लोग जो है पूरा सीट का जो लुक है वो आप लोग अपने लेवल से जो है देख के मेरे को बता सकते हो कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है। रियर आर्मरेस्ट भी यहाँ पर हमने लगाया, तो ये जो सीट्स है ये मैंने इंक्लाइन की हुई है, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, ठीक है, इसको खींचने से ये आगे या पीछे जाता है। अब थार के साथ में एक जो लिमिटेशन है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जितने भी लोग थार ले रहे हैं, मैं पहले बताता हूँ, थार जो है वो एक दो सीटर के तरीके से बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, लेकिन अगर आप लोग लगेज की उससे बात करते हो तो भैया आप लोग अगर इसमें लगेज रखोगे तो ये पीछे वाली सीट्स आपकी बिल्कुल भी यूज़ करने वाली नहीं होगी। और बाकी यहाँ से भी आप लोगों को जो है एक सीट कवर का और पूरा ओवरलुक जो है वो मैं दिखा देता हूँ। ये रियर से आप लोगों का लुक है, रियर में भी आप लोगों को रेड कलर की स्टिचिंग देखने को मिलेगी। रियर का जो है हम लोगों ने जो अपने हेडरेस्ट हो गए इनमें रेड स्टिचिंग हो गई, ये वाली रेड स्टिचिंग हो गई, तो रियर वाला मैंने बहुत स्टॉक रखा है। एंड आई होप कि ये जो बिल्कुल सोबर है वो बहुत अच्छा लग रहा होगा। जैसा आपको बताते हैं कि जो आप लोगों का ओरिजिनल वाला पायदान कह लो या फिर इसको जो हम लोग कहते हैं कि भैया ये हमारी मेन चीज होती है, तो ये जो है हमने लगवा रखा है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। आप लोगों का स्टॉक वाला आता है वही हमने इसमें जो है इसको इंस्टॉल किया। वैसे इसको कारपेट बोलते हैं, मैंने पायदान बोल दिया, आप समझ जाना। यहां पर हमारा 8 इंची का सबवूफर है। अच्छी बात क्या है, इसमें पूरा ये जो है कपड़े से रैप ऑन हुआ हुआ है, तो यहां पर जो है ये किसी भी तरीके का निशान नहीं मार रहा। और एक और प्लेन गुजरता हुआ, ठीक है, दो प्लेन जा चुके हैं। एंड आई होप कि बाकी आप लोगों को जो है चीजें समझ आ रही होगी और जितने अच्छी तरीके से हो सकता है वो मैंने लगाया। गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स ऑनलाइन अपने घर पे मंगवाइए www.bootmo.com के साथ। bootmo.com आप लोगों का जो है वो है स्पेयर पार्ट एक्सपर्ट, यानी कि अगर आप लोगों की गाड़ी का कोई भी स्पेयर पार्ट है जो कि आप लोगों को ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिल रहा है या फिर आप लोग चाहते हो कि आपका स्पेयर पार्ट आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाए, तो आप लोग iOS या फिर एंड्रॉइड के फोन में जाकर bootmo की ऐप डाल सकते हो। ये ऐप बहुत जबरदस्त और बिल्कुल अप टू डेट है। इसके अंदर आप लोग विन नंबर यानी कि अपने चेसिस नंबर से जो है अपनी गाड़ी की पूरे स्पेयर पार्ट्स के बारे में सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप लोगों को ऑप्शन मिलता है कि आप लोग अपने मॉडल के अकॉर्डिंग, आपकी गाड़ी पेट्रोल है डीजल है, इसके अकॉर्डिंग भी आप लोग जो है अपने स्पेयर पार्ट ढूंढ सकते हो। साथ ही साथ में आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है रोज की, वो आप लोगों को bootmo देता है। और साथ ही साथ में bootmo के साथ में मिलते हैं आप लोगों को स्पेशल ऑफर। तो अगर आज के दिन आप लोगों को लेने हैं स्पेयर पार्ट्स वो भी ऑनलाइन, तो जाइए www.bootmo.com और जल्दी से अपने स्पेयर पार्ट्स बुक कीजिए। लेदर अगर आप लोग लगवाते हो तो लेदर आप लोगों को कॉस्ट करेगा करीबन 40,000 से 70,000 के बीच में। क्वालिटी डिफर करती है, दिस इज पीयू। अगेन इस पे भी मेरे को स्वेटिंग वाली जो प्रॉब्लम है बिल्कुल अभी तक तो फील नहीं हुई है। और बाकी भाई मेरे को कॉस्ट फ्रेंडली भी चीज लगवानी थी जिससे आप लोग जो है वो चीजें लगवा सको, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, आप लोगों को जो है और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जो है मिल जाएगी। ऐसे अगर आप लोग इंस्टॉल अपनी गाड़ी में कराना चाहो तो ऐसे इंस्टॉल्स भी आप लोग जो है अपनी गाड़ी के अंदर करा सकते हो। बाकी अगर आप लुक और ओवरव्यू के बारे में बात करते हो, सो इट लुक्स रियली प्रॉमिसिंग, इट लुक्स रियली नाइस, एंड आई होप कि आप लोगों को जो है ये पूरा वाला जो लुक है वो पसंद आया होगा। सो गाइज बारी आ चुकी है कि आकृति जो है वो हमारी इस अमेजिंग सीट का जो है बैठ के हमें रिव्यू दे। आकृति ने अभी तक चला के मैं आपको रिव्यू दूं, गाड़ी का रिव्यू दे चुकी है, तो चल ठीक है। तो यहाँ ये चढ़ी और यहाँ पर ये बैठ गई। अब मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जैसे उन्होंने वहां पर दिया था ना चढ़ने का कुछ, तो यहाँ पर दिया होता तो ठीक है, यहाँ पर लोग छेद करा के लगाते तो भाई हमारा ऑलरेडी टीटर लगा हुआ है, अजीब सा लगेगा। जरूरत नहीं यहाँ पे लगवाने, यार मेरे को लगता है मेरे को जरूरत है, पर अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो थोड़ा सा व्यू भी तो ब्लॉक होगा ना। चलो कोई बात नहीं, तो थार के दरवाजों को जोर से बंद किया जाता है, ठीक है, और अब मैं इसके अंदर बैठूंगा तो मेरे को तो फिर भी ऑप्शन मिल जाता है ऐसे करके चढ़ के, फिर ऐसे करके ऐसे बैठ जाओ, तो मेरी सीट बेल्ट लगा दो भाई। लाइए सर, हम आपके ड्राइवर हैं, हम आपका सारा काम करेंगे, और आप हमारे कंडक्टर हैं। सो कंडक्टर है, ए बोलो 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 भाई, एक बेल्ट ठीक है लग गई है। तो आपको कंफर्ट में पहले और अभी में फर्क बता कि क्या फील हो रहा है? पहले और अभी में ऑब्वियसली थाई सपोर्ट तो है, ठीक है, सीट्स भी थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल फ्लफी हो गई है थोड़ी सी। हाँ, ऐसा तो नहीं कि नींदी आ जाएगी बंदे को चलाते हुए? नहीं नहीं इतना भी नहीं हो रहा। और ये वाली चीज परफेक्ट तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है? पीठ में तेरे को फील हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। हाँ परफेक्ट तरीके से हो रही है, हमने इसमें जबकि बहुत अच्छी फोमिंग करवा रखी है, ठीक है ना, तो मतलब फोमिंग भी अच्छा तरीके से काम कर रही है। सो लेट्स गो, चलो चलाओ थोड़ा चले, थोड़ा सा ऑडियंस के साथ। सिटी में ना मैं इस गाड़ी को चलाने में घबराती हूँ। क्यों, ऐसा क्यों? मेरे को इतनी बड़ी गाड़ी सिटी में चलाने की आदत नहीं है ना, मतलब हाईवे पे तो हाईवे इतनी बड़ी क्या, दो ही सीटर है ये। अरे पर फिर भी मतलब
चार सीटर तो बोलने के लिए है, पीछे वाले तो मैं ये बोलता हूँ कि हमारा तो भी पीछे लगेज ही पड़ा रहेगा अगर हम कहीं ट्रेवल करेंगे हाईवे पे, क्योंकि मैं अपने वूफर तो हटाने वाला हूँ नहीं। बात कंप्लीट कर लो सर। हाँ लेफ्ट ले लो। हाईवे पे तो जैसे खाली था और मतलब स्पीड में चलानी थी तो इट वॉज फन, बहुत मजा आया था मुझे हाईवे पे चलाने में। पर सच्ची में थोड़ा मैं घबरा रही हूँ, पर जैसे जैसे प्रैक्टिस होती है। संडे ड्राइव में पूरा अक्कू ने चलाया था करीबन मतलब 100-120-130 किलोमीटर चलाया होगा। हाँ। तो अक्कू की प्रैक्टिस भी हो रही है साथ ही साथ में। और इसकी जो हैंडलिंग है वो मतलब तूने किया चलाई, उसके बाद टियागो भी चलाई है तो उनके। अच्छा, मैंने किया भी तो चलाई है, मैं भूल रही हूँ, मैं तो सिर्फ टियागो का याद था, मैं भूल रही, मैंने किया भी तो चलाई है। तो उसके हैंडलिंग के हिसाब से थोड़ा सा स्टीयरिंग टाइट है, बाकी तो सब ठीक है, पर इतना स्टीयरिंग भी आई एम ओके विद इट। ये टाइट नहीं होता, दिस इज बेसिकली हाइड्रोलिक वाला भाई। मतलब जैसे हमें उसकी नॉर्मल स्टीयरिंग की आदत होती है पावर स्टीयरिंग की, उसके मुकाबले हल्का सा ये टाइट होता है, बट वैसे तो ठीक ही है, कोई बहुत ज्यादा वैसे भी तो नहीं है, पुराने वाले जैसे होते थे। अच्छा एक चीज और आप लोगों को बताता हूँ, बहुत सारे लोग ना अपना ये ऊपर का पूरा इंटीरियर करवा रहे हैं, ये सब चीजें करवा रहे हैं, और मेरे से भी लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि भैया जो है ये चीजें करवाएंगे, यहाँ पर गत्ते में जो है कपड़ा चढ़वाएंगे या यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो आकृति देख रहे हो कितने पास तक लेके आ चुके गाड़ी के, बड़ा देख के आराम से। आप सोचो मत कि आप कैमरे शूट कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करो, गाड़ी चलाओ प्यार से, देख के बहुत आराम से, वेरी नाइस। ठीक है, सो अपने से छोटी जितनी भी व्हीकल्स है उनको आपने बचा के चलाना है। तो रूफ में कई सारे लोग जो है कपड़ा वपड़ा चढ़ा रहे हैं, लेकिन भाई सक्सेस कुछ आया नहीं है, लोग बहुत सारी चीजें ट्राई भी कर रहे हैं, आई रियली डोंट नो अबाउट इट। मैं तो भाई आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा, कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को इसका रूफ जो है दिया है, और इसका एक रग्ड लुक को जो है रग्ड लुक ही रहने दो, ज्यादा छेड़खानी मत करो। और सीट कवर एक प्रायोरिटी है, सीट कवर्स करवा सकते हो, और ऑडियो हमारे लिए प्रायोरिटी है तो हमने करवा ली है, और मेरे को इस बार हेड यूनिट का अपग्रेड जरूरत नहीं लगा तो नहीं करवाया। यहाँ पर अपना एप्पल कारप्ले, चार्जिंग आराम से चल रही है, एसी जो है वो एक नंबर का है, आर्मरेस्ट की जरूरत थी आर्मरेस्ट लगवा लिया, तो ये चीजें जो है ये नेसेसिटी थी वो हमने करवा ली। लेकिन ये रूफ वूफ में कपड़ा कुपड़ा चढ़ाने वाला भाई, उसके बारे में सोच रहे ना, ये कपड़ा पता नहीं इसके ऊपर रुकेगा नहीं रुकेगा, लोग क्या क्या लगा के कौन कौन सा एडहेसिव लगा के आपका इसको चिपका तो देंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद वो नीचे आ जाएगा, प्लीज इसके बारे में जरूर सोचो। बाकी अगर आप लोगों को मेरा इंटीरियर का, इंटीरियर नहीं कहूंगा, सीट कवर का ये लुक पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम मुसाफिर 8811, फेसबुक मुसाफिर स्क्वाड। सो विद दिस सेड गाइस करते हैं आज इस वीडियो को एंड, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।